हाय, मैं सृष्टि और मैं लेके आ गई हूँ एंटरटेनमेंट से जुड़ी टॉप 10 न्यूज। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही के एक इंटरव्यू में राघव चड्ढा ने रिवील किया कि उनकी और परिणीति की पहली मुलाकात मैजिकल थी। बातचीत में राघव ने कहा कि एकदम ऑर्गेनिक मुलाकात थी, एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं हर रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी में परिणीति दी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महारथी हैं, एक बादशाह है तो दूसरा सदी का महानायक। बीते महीने ही खबर आई थी कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन 17 साल बाद स्क्रीन पे शेयर करते हुए नजर आएंगे। अब फैंस का इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि दो सुपरस्टार्स का वीडियो सामने आ चुका है। दरअसल शाहरुख खान और बिग बी किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि खाने के मसालों के विज्ञापन के लिए साथ आए हैं। अल्पेश यादव को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि अब वो किस प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं या क्या वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं। इन सब सवालों के बीच ही उनका एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो में अल्पेश यादव बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उनके किसी सेट का दिखाई दे रहा है जहाँ किसी प्रोजेक्ट की शूटिंग चल रही है। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा हाल ही में न्यूयॉर्क फैशन वीक के दौरान हुए विक्टोरिया सीक्रेट वर्ल्ड टूर इवेंट में शामिल हुई, जहां से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक कलर का आउटफिट पहने नजर आ रही हैं। इस आउटफिट में प्रियंका बेहद ही बोल्ड लग रही थी। अब करण जौहर ने हिंदी सिनेमा पर अपनी राय रखते हुए बताया कि पहले के मुकाबले सिनेमा में काफी बदलाव आया है। करण ने कहा, हमारी इंडस्ट्री का माहौल काफी अशांत रहा है और मैंने 7 साल से कोई फिल्म निर्देशित नहीं की। डायरेक्टर ने आगे कहा कि साथ ही पिछले 3 साल मेरे या इंडस्ट्री के लिए आसान नहीं थे। मैंने बहुत कुछ छुपाया था क्योंकि मैं न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपनी कंपनी के लिए भी नॉर्मल दिखना चाहता था। आपको बता दें कि हाल ही में डायरेक्टर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी निर्देशित की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार फाइटर के 3 बड़े एक्टर्स ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण प्रेजेंट में फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स के लिए एक सेट पर एक साथ शूटिंग कर रहे हैं जो मुंबई के यशराज स्टूडियोज में बनाया गया है। सनी देओल ने हाल ही में एक न्यूज शो में शिरकत की। शो में जैसे ही उन्होंने एंट्री ली, वहां मौजूद दर्शकों ने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। एक्टर के सम्मान में सभी अपनी सीट से खड़े हो गए। अपने प्रति दीवानगी देख सनी देओल भावुक हो गए और अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए। जब सनी से पूछा गया कि उन्होंने आंसू क्यों बहाए, इस पर और ज्यादा भावुक हो उठे, जिसके साथ दर्शकों की तालियों की गूंज भी बढ़ गई। करीना कपूर ने हाल ही में एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया है जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की हैं। पिक्चर्स में एक्ट्रेस अलग अलग स्पोर्ट्स वेयर पहने नजर आ रही हैं और काफी ज्यादा स्मार्ट भी लग रही हैं। बिग बॉस कंटेस्टेंट्स जिया शंकर और अभिषेक मल्हान हाल ही में शूट करते हुए स्पॉट हुए थे और अब उनका नया गाना भी रिलीज हो गया है जो फैंस के बीच जमकर वायरल हो रहा है। पंजाबी एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने पेरेंट्स के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो कि उनके फैंस को बेहद पसंद आई। एंटरटेनमेंट और सिनेमा की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।